सो गाइस, क्या आपको पता है बोल्ट की स्ट्राइकर प्रो, बोल्ट की स्ट्राइकर प्रो एक आने वाली है, और सेल पे है। बेसिकली आने क्या वाली है, सेल पे एकदम से चलेगी, पता भी नहीं चला। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से मिलता है लुक और फील, आपको देख सकते हो। एक रोटेटेबल क्राउन मिल जाता है देखने के लिए, और यहाँ पे फ्रंट डिस्प्ले मिलती है 1.85 इंचेस की, काफ़ी बड़ी डिस्प्ले मिलती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको इस तरीके के एल्यूमिनियम केसिंग मिलती है, और 22mm स्ट्रैप साइज़ है। तो गाइज़, इसमें क्या क्या फीचर मिलते हैं और बेस्ट वाली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 1.85 इंचेस की डिस्प्ले और अदर फीचर्स की बात करते हैं। वैसे अगर आप चैनल पे आएंगे इस तरीके के अपडेट्स आप चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम बहुत ही अच्छी अच्छी डील डालते रहते हैं। वैसे लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। तो इस तरीके से आपको वॉच फेस भी देखने को मिल जाते हैं, आप जौन सा चाहो वो लगा सकते हो, यहाँ पे अपने पिक को भी वॉच फेस आप लगा सकते हो। ठीक है, काफ़ी डीपर ब्लैक देखने को मिलता है इस वॉच में सेल्फ। ठीक है, तो गाइज एक लाइक तो बनता है गाइज डेफिनेटली। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बेस्ट वाली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, ठीक है, इस वॉच की। गैस, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, क्योंकि सेल पे है ऑब्वियसली बात है, तो हमारी वीडियो से आप यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू लेने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे लुक और फील इस तरीके का मिलता है, मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी। यहाँ पे स्ट्रैप की बस डिफरेंस है और सब कुछ सेम है डिटो, मतलब आप समझ सकते हो जो फायरबोर्ड की वॉचेज हैं, निंजा सीरीज है, या बोल्ट की जो सीरीज है आपकी, बोल्ट ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट प्रो, उसी का ही यूआई सेम मिलता है, डिटो कॉपी है। इसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, कॉल ट्रांसफर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ 1.85 इंचेस की एचडी डिस्प्ले मिलती है। अब एचडी है तो 240 पिक्सल्स का ही रिजोल्यूशन है यहाँ पे, ना ही एमोलेड है ना ही कुछ, ये टीएफटी एलसीडी पैनल है। ठीक है, उसी के साथ साथ 100 प्लस पोर्ट्स मिल जाते हैं, ये कुछ मैं ग्लिम्स की बात कर रहा हूँ। हार्टेड मॉनिटर IP67 रेटेड है, मल्टीपल कलर्स ऑप्शन मिल जाते हैं, 3x कलर शेड्स मिल जाते हैं इसमें देखने के लिए, और उसी के साथ साथ वर्किंग ग्राउंड है, 150 प्लस क्लॉट वॉच पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मिलती है ग्लिम्स के तौर पे। अब यहाँ पे मैं मेन चीज़ों की बात करता हूँ, साथ में पॉजिटिव पॉइंट भी हम लेके चलेंगे, ठीक है, और नेगेटिव पॉइंट भी लेके चलेंगे साथ ही में, ताकि सब कुछ मैं आपको बता दूँ साथ में। वैसे बेस्ट वैल्यू किस वॉच की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, 1500 रुपए के प्राइस बैकेंड, बहुत अच्छी डील है। वैसे तो मैं कहूँगा 1500 में अच्छी डील बन जाती है, क्योंकि एक स्पोर्टी रगेड टाइप का एक फील आता है स्ट्रैप को देख के, बट वॉच स्पोर्टी नहीं है, वॉच नहीं रगेड है, वॉच आपकी एक फॉर्मल लुक में देखने को मिलती है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे 22mm स्ट्रैप साइज आफ्टर मार्केट का इसमें यूज कर पाओगे। हाई विजिबिलिटी अंडर डायरेक्ट सनलाइट, यहाँ पे अब कितना यहाँ पे पिक्सल साइज है वो नहीं बताया, मतलब यहाँ पे पीक ब्राइटनेस नहीं बताई गई है, ना यहाँ पे पिक्सल साइज दिखाया गया, बट मैं आपको बता दूँ 240x280 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट की बात मैं कर देता हूँ, ये वॉच लास्ट मीडियम रिस्ट पे चल जाएगी, थिन रिस्ट पे भी चल सकती है, बट स्किनी रिस्ट के लिए ये वॉच नहीं बनी हुई है, क्योंकि डिस्प्ले आपकी बड़ी मिलती है 1.85 इंचेस की। ठीक है, और ये वाला स्ट्रैप लगाओगे तो बिल्कुल नहीं चलेगी आपके थिन रिस्ट पे, आपको वो वाला नॉर्मल फॉर्मल टाइप का स्ट्रैप लगाना पड़ेगा। ये फैंसी टाइप का स्ट्रैप मिलता है, मतलब ये थोड़ा सा स्पोर्टी रगेड टीपीयू स्ट्रैप देखने को मिलता है आपको। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्ले के मामले में कहना चाहूँगा, ये इसका नेगेटिव पॉइंट कहूँगा मैं यहाँ पे, पॉजिटिव पॉइंट नहीं कहूँगा। डिस्प्ले क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट नहीं कहूँगा यहाँ पे, क्योंकि अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगा के पिक्सलेट होगी आपकी पिक। ठीक है, ये फ्लॉ है इस वॉच के अंदर, मैं आपको डायरेक्टली बता दूँ, पिक्सल साइज अच्छा नहीं दिया गया इसका वॉच का। ठीक है, एमोलेड तो और मज़ा आता, क्योंकि आपको अगर ड्रिफ्ट बोल्ट की ड्रिफ्ट एक वॉच है शायद, उसके लिए अगर आप जाते हो, ड्रिफ्ट प्रो है या ड्रिफ्ट प्लस नाम से है कोई वॉच, जिसका मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू कर रखा है, एमोलेड डिस्प्ले के साथ आती है बेसिकली, वो आपको 2200 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में मिल रही है, 1.78 इंच की डिस्प्ले मिलती है, तो वो काफ़ी बेटर रहेगी इससे, अगर आप 700 रुपये एक्स्ट्रा डाल सकते हो। बट अगर जिसका बजट टाइट है बहुत ज़्यादा, 1500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में चाहिए, तो ये वॉच उनके लिए बेटर हो सकती है। ठीक है, तो डिस्प्ले क्वालिटी में यहाँ पे ये वॉच पीछे रह जाती है। दूसरा, यहाँ पे अगर मैं आगे बात करूँ, यहाँ पे फास्टेस्ट सेलिंग बोल्ट ड्रिफ्ट, ये सब तो आपको पता ही है। ठीक है, बोल्ट की ड्रिफ्ट फास्टेस्ट सेलिंग वॉच थी, अब यहाँ पे ड्रिफ्ट 2 आ चुकी है ये वाली। ब्लूटूथ कॉलिंग ये अच्छा है, इसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे, और ब्लूटूथ 5.3 यूज़ किया गया, ये प्लस पॉइंट इसका प्रमोट हो जाता है। पहला इसका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, दूसरा इसका प्लस पॉइंट हो जाता है, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी बेटर हो जाती है इस वॉच में। अब सिंगल है कि डबल है, तो कैसे यहाँ पे डबल ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी देखने को मिलने वाली, सिंगल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी, और हो सकता है कि सेटिंग में जाकर आपको मीडिया ऑडियो ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, अगर वो ऑप्शन है तो यहाँ पर सिंगल चिप कनेक्टिविटी के साथ ही हो जाएगी, बट अगर वो ऑप्शन नहीं है तो सेकंड ब्लूटूथ आपको पेयर करना पड़ेगा आपको अपने फोन से। अब गाइस यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट आपको बताया था, ब्लूटूथ वर्जन के साथ साथ यहाँ पे रोटेटेबल क्राउन मिल जाता है, 1500 रुपए में रोटेटेबल क्राउन, अच्छी बात है गाइस। वैसे मिल जाता है आपको इवन BeatXP की मार रेज जो आई थी उसमें भी रोटेटेबल क्राउन था, है ना, BeatXP की जो अभी मार वल्ट्रा आई उसमें भी रोटेटेबल। तो गाइस सारी बहुत सारी वॉचेस में आ रहा है रोटेटेबल क्राउन, ये कोई नई बात नहीं है, मतलब 1500 रुपये में नई बात नहीं है, वैसे मैं कहूँगा अच्छी बात है दे रखा है कंपनी में। तो दो इसके पॉजिटिव पॉइंट हो जाते हैं, एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। ठीक है, इसमें वॉच फेस को चेंज कर सकते हो, मल्टीपल मेन्यू को स्क्रॉल कर सकते हो इसी क्राउन की से। आगे बात आती है यहाँ पे अनलेश एक्सप्रेशन, यहाँ पे 3x कलर शेड्स मिलते हैं, तो तीनों कलर शेड्स काफ़ी अच्छे हैं, बट यहाँ पे ये जो ब्लैक और इसका लाइट ग्रीन का कॉम्बिनेशन है ये मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इवन यहाँ पे ब्लू वाला शेड भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये क्रीम कलर का तो गर्ल्स के लिए काफ़ी बेटर रहेगा, क्रीम प्लस रोज गोल्ड टाइप का, ये गर्ल्स के लिए काफ़ी बेटर है। ठीक है,
उसी के साथ साथ यहाँ पे आपका हार्ट SpO2 लेवल मॉनिटर दोनों ही चीज़ें मिल जाती हैं और डेडिकेटेड सेंसर के साथ आएगी, ये भी अच्छी बात है। तो गाइस यहाँ पे मैं कहूँगा तीसरा ही प्लस पॉइंट हो जाता है कि मतलब बोल्ट की जो एक्यूरेसी है थोड़ी सी ठीक रहती है, ये नहीं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट रहती है, अब एवरेज हम कह सकते हो स्टेप्स काउंटिंग की या हार्ट रेट मॉनिटर की एक्यूरेसी, ठीक है। SpO2 के लिए तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता हूँ आप सभी को, ठीक है। आगे बात आती है 100+ स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलता है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो एक इसका अभी नेगेटिव पॉइंट निकला है वो डिस्प्ले को लेकर, उसके बाद तो पॉजिटिव पॉइंट ही निकल रहे हैं इसके। 350+ क्लाउड बेस्ड वॉच फेस देखने को मिल जाते हैं, तो टन्स ऑफ वॉच फेस भी देखने को मिलते हैं, आप यहाँ पे क्लाउड ऑन चेंज ऑन कर सकते हो थ्रू द एप्लीकेशन। बोल्ट की ड्रिफ्ट एप्लीकेशन ही है मेरे ख्याल से, बोल्ट की ही एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है। और बोल्ट की जो एप्लीकेशन है वो दाफेट एप्लीकेशन से मिलती जुलती है, तो सेम ही है, बस नाम चेंज करके यहाँ पे बोल्ट ने लॉन्च किया हुआ प्ले स्टोर पे। तो गाइज ये भी अच्छी बात है, 300+ क्लाउड बेस्ड वॉचेस मिल जाते हैं, अपने पे कोई एज अ वॉच फेस आप लगा पाओगे। फाइंड माई फोन का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, फोन को ट्रैक कर सकते हो, मतलब आपको प्रॉपर एप्पल आईडी वाला सीन नहीं मिलता है इसमें आपको, आई नो यहाँ पे एप्पल की कॉपी लगती है वॉच के, बट ये फाइंड माई फोन का ऑप्शन नॉर्मल वाला जो हर एक वॉच में होता है वो मिलता है। आगे बात आती है AI वॉइस असिस्टेंट, यस चौथा इसका पॉजिटिव पॉइंट मैं यहाँ पे अकाउंट करना चाहूँगा। AI वॉइस असिस्टेंट में दिया गया गूगल सिरी को एक्टिवेट कर सकते हैं थ्रू द वॉच इटसेल्फ, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। IP67 रेटेड है, ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, दो इसके नेगेटिव पॉइंट हो जाते हैं। दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट है IP67 वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग, गाइस पानी वानी में खराब हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। हैवी रेनिंग वेनिंग में लेकर नहीं जा सकते आप इसको, ओपन स्विमिंग में लेकर नहीं जा सकते, 1 मीटर टू 30 मिनट्स तक है ये बेसिकली, डीप स्विमिंग के लिए नहीं बनी है वैसे ये, ठीक है। आगे बात आती है यहाँ पे प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी में बात मैं करूँ तो कॉलिंग फैसिलिटी के साथ आपको नोटिफिकेशन सिंकिंग का ऑप्शन मिलता है, लेटेस्ट मैसेज रिमाइंडर मिल जाता है, गोल अचीवमेंट रिमाइंडर मिल जाता है, SMS व्हाट्सएप सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन और सेडेंटरी रिमाइंडर भी देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे क्विक रिप्लाई नहीं कर पाओगे आप, यस ये ऑप्शन नहीं मिलता है इसमें आपको। आगे बात आती है मिनी गेम्स, गेम्स मिल जाते हैं, तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है आपका, ये पाँच हुआ, ठीक है। और दो इसके अभी नेगेटिव पॉइंट आए हैं, तो पांच वे इसका पॉजिटिव पॉइंट आता है, मिनी गेम्स 2x गेम्स मिल जाते हैं, और नहीं 2x नहीं 4x मिल जाते हैं बेसिकली। तो ये UI कॉपी है फायरबोल्ट की निंजा सीरीज में से, या फायरबोल्ट की राइज या टैंक वाली सीरीज में से कॉपी किया गया इन्होंने UI, ठीक है। और कैलकुलेटर भी मिलेगा इस वॉच में इटसेल्फ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मिल जाती हैं आपको, और दो इसके नेगेटिव पॉइंट आते हैं, पांच इसके पॉजिटिव पॉइंट आते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट्स पे हावी हो जाते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये वॉच वर्थ बन जाती है, आप इसको 1500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में बाय कर सकते हैं, बट इससे बेटर ऑप्शन चाहिए आपको, तो अगर आप थोड़ा सा पैसा डाल सकते हो तो आपको अच्छी AMOLED डिस्प्ले वाली वॉच मिल सकती है। यस आपने इसे सुना, BeatXP की अनबाउंड नियो, जैसे कि सेल वेल पे आपको अभी तो 1799 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल रही थी ऑन Amazon, और वो काफ़ी अच्छी है। बट अगेन गाइज अगर आपका बजट टाइट है तो 1500 रुपये में भी ये भी अच्छी डील बन जाती है, ठीक है। तो गाइज इसको ग्रैब करना मत भूलना, बेस्ट वेलिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और ये सिंपल सा प्रीव्यू था, अगर आपका क्वेरीज वॉच से रिलेटेड और भी कुछ रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज, बेल आइकन कॉल कर दो, मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।